आईपैड मिनी 5, ये टेलीसिन ब्रांड का हेलमेट चिन स्ट्रैप है, माउंट है। मोआनो का AU400, ये मुझे पड़ा है। हेलो यू वंडरफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये 299 फिल्म्स, ये एक मोटो व्लॉगिंग चैनल है। सो मैंने सोचा कि जो फर्स्ट वीडियो होगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। सो ये बेसिकली वीडियो है कि आप कैसे अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप चीप, एक अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं विद इन ₹3000। सो बेसिकली मैंने ये समझा कि हाँ, अगर आपको मोटो व्लॉगिंग चैनल बनाना है तो उसके लिए भाई बहुत खर्चा लगता है। ट्राईपॉड है, माइक है, बहुत सारी केबल्स हैं, लाइट्स हैं, फिर उसके बाद आपका एक्शन कैमरा है, माउंट है, तरह तरह के। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक बिगनर हूँ, सो जो आगे आने वाले लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और मोटो व्लॉगिंग चैनल सेटअप करना चाहते हैं या मोटो ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाहते हैं, सो ये सोच के घबरा जाते हैं कि नहीं यार, इसमें बहुत खर्चा है, मॉम डैड इतना पैसा नहीं देंगे, मेरे पास उतना है नहीं, बहुत इन्वेस्ट करना होगा तो छोड़ देता हूँ। सो मैंने भी ये पहले यही सोचा था, बट फिर मैंने अपना आगे कदम उठाया और मैंने देखा कि हाँ भाई, एक ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है जो मुझे पसंद है। ठीक है, सो जो आपको पसंद है वही करें, अपने पैशन को फॉलो करें हमेशा। सो मैं आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि चीप भी होंगे और आपका प्रीमियम भी होंगे। सो एक टाइप का डेडली कॉम्बिनेशन होगा। सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं। रुको, एक मिनट। सो वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में एक प्रीमियम सरप्राइज बॉक्स है जिसकी अनबॉक्सिंग होगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, वो बॉक्स को ज़रूर देखना। तो ये है हमारा उलांजी का कैमरा ट्राईपॉड, फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड, मॉडल नंबर MT11। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये उससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। पहले मेरे पास ये एक मिनी पोर्टेबल ट्राईपॉड था, डिजिटेक का पोर्टेबल मिनी ट्राईपॉड, बट ये प्लास्टिक का था और मैं अपने फ़ोन से सब कुछ शूट करता हूँ, तो ये मेरे फ़ोन के वेट को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। जैसे मैं अपना फ़ोन रखता था, ये तुरंत गिर जाता था। पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। इस पे अगर मैं कैमरा रखूँ, इन फ्यूचर DSLR लूँ, कुछ भी करूँ, ये हमेशा मेरा साथ देगा। इसे मुझे चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी ख्याल में भी नहीं आएगा कि कोई और सा ट्राइपॉड मुझे ले लेना चाहिए था। तो ये बेस्ट है। 1750 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था। तो गाइस, बढ़ते हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये है मेरा हेलमेट का चिन स्ट्रैप, जो मुझे पड़ा था ₹1000 में। और ये है मेरा मोआनो का AU400। इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही बेकार दी है। चलिए इसको सील तोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेलीसिन ब्रांड का हेलमेट चिन स्ट्रैप है, माउंट है। इसे हेलमेट के चिन पोजीशन पे स्ट्रैप करूँगा मैं, कोई MCL या किसी से चिपकाऊँगा नहीं। मेरा हेलमेट को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये किया, सबसे सेफ़ है ये। और इसके साथ एक माउंट दिया हुआ है,
ये मुझे दोनों पड़ा सिर्फ 1000 रुपीज़ में। और ये हमारा आ गया है मोआनो का AU400 जो कि बेस्ट बजट माइक है। ये मुझे पड़ा था ₹350 में। तो इसका ऊपर का जो डब्बा भेजा है अमेज़ॉन ने, ये तो बहुत ही बेकार भेजा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट हाँ अंदर प्रोडक्ट सही है और मुझे सिर्फ उसी से मतलब है। ये है हमारा 3.5 mm जैक और ये है हमारा माइक, ये है हमारे दो क्लिप्स और ये बेसिकली कैमरा के लिए है। इसमें देखिए जैसे इसमें 3 पॉइंट है बट इसमें 2 पॉइंट है, तो इससे आवाज़ क्लियर होती है। इसको इसके अंदर कनेक्ट करेंगे ऐसे और इसको आप अपने कैमरा में यूज़ करते हैं। और ये मेरा दूसरा माइक है बोया BY MM1+। देखिए अगर आपका बजट है विद इन 3000 की वीडियो बन रही है, अगर आपका बजट 3000 का है तो आप इसे मत लीजिए, बट हाँ मेरे पास ये है, ये मैंने परचेज़ किया था कुछ दिन पहले और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, बट आपके लिए अपने ऑडियंस के लिए मैं इसे फिर से अनबॉक्स करूँगा। तो इसके अंदर हमें मिलता है बोया का एक पाउच जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसके अंदर हमें मिलते हैं दो केबल, एक 3.5 mm जैक टू 3.5 mm जैक है, ये स्मार्टफोन में लगता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये आपका लगता है माइक्रोफोन में। और ये हमारा दूसरा है, ये एक्चुअली कैमरा का, इसमें कैमरा का लोगो बना हुआ है। अगर आपके पास DSLR है तो आप इस पर ये वाला लगाइए, इसमें 2 पिन है जैसे कि हमारे पहले वाले माइक में था, और ये तो ऑब्वियसली माइक्रोफोन में ही लगेगा। ये हमारा आ जाता है शॉक एब्जॉर्बर जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, मैंने इस माइक को यूज़ किया है, अगली जो वीडियो होगी आप उसमें आवाज़ सुनिएगा। इस बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है, एकदम टच से मस नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा है। और ये आ जाता है हमारा मेन माइक, ये एक्चुअली विंड नॉइस को हटाने के लिए है। विंड नॉइस अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं, ऑब्वियसली मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो बाहर अगर कुछ भी आप व्लॉग कर रहे हो तो ये आपकी विंड नॉइस को कम करेगा। जो मेन माइक है वो ये है, ठीक है, और ये बहुत ही प्रीमियम फिनिश है इसका, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माइक है। ये भी अगर आप देखें इस माइक के अकॉर्डिंग तो ये भी बेस्ट बजट माइक है। ये मुझे कुछ 2500 या 2800 का पड़ा था। अगर आप दूसरा रोड का माइक लेने जाते हैं तो उस माइक की स्टार्टिंग ही 6000 से होती है, 5500-6000 की। बट अगर आप अच्छा अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं और आपको एक प्रोफेशनल माइक चाहिए, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ तो मैं आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ, तो बोया का BY MM1+ ले सकते हैं। MM1 उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा मेरे आईफोन का ही इनबिल्ट माइक्रोफोन है जिसकी आप अभी वॉइस सुन रहे हैं, बट BY MM1+ जो है ना ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं आपको ये मच रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कहीं भी आप जाएँ ये वाला पाउच इसके अंदर डालें जो बोया ने दिया, उसके बाद अपना ट्रैवल करिए, व्लॉग करिए। कुछ भी सबसे बड़ी और महंगी अनबॉक्सिंग है, इसका मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। iPad mini 5, मैंने तो इसका बहुत इंतज़ार किया है, तो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको कल मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आगे आपको इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ज़िंदगी जियो हंसते हंसते। सो ऑन डैट पॉजिटिव नोट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।